एक तरफ जहां सरकार गांवों को ODF बनाने में लगी है, वहीं गोंडा के प्रधान सहज राम तिवारी ने 2 साल पहले ही अपने गांव हरैया झुमन को खुले में शौच मुक्त कर दिया है। वहीं भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय कार्य योजना कार्यालय में उन्हें सलाहकार बनाया गया है, तो इंडो नेपाल समरसता मंच में उन्हें कर्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। क्या आपके यहाँ शौचालय बना है? क्या है बताइए? बना है शौचालय, 12,000 मिला है, 3 साल हो गया बने। तो आप किस आपका बना कि आपके गांव में सबका बना है? नहीं तो बना तो है सबके, सबके बना है। सहजराम तिवारी, हरैया झुमन। हमने अपने ग्राम सभा में सर्वप्रथम तो पहले जब प्रधान हुए तो अपने गांव को ODF कराया। ODF 2016 के और 17 के शुरू में हो गया, क्योंकि जिले का ये दूसरी ग्राम सभा, तहसील की पहली ग्राम सभा है जो ODF हुई। उसके बाद में हमने अपने ग्राम सभा में पेड़ पौधे और जो है स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया, स्वच्छता में नंबर एक पर हुआ। बार बार हर अधिकारी आए, उनको दिखाया गया। फिर हमने अपने विद्यालय को कायाकल्प के अंतर्गत गवर्नमेंट ने, हमारे शासन ने जब दिया तो हमने अपने विद्यालय को कायाकल्प के अंतर्गत सुसज्जित बनाया। एक सार्वजनिक शौचालय जहां हमारे ब्लॉक मुख्यालय के बगल में एक होटल था, होटल पर अन्य ग्राम सभा के प्रधान आते थे वहां बैठने के लिए। हमने जो है उनको शौच जाने में जब दिक्कत पड़ने लगी तो हमने एक शौचालय भी बनवाया। उन्हें विद्यालय में टंकी, बच्चों को पीने के लिए जो RO का पानी मंगवाता हूँ बाहर से। इस कार्यों को देखते हुए आपको सम्मानित भी किया गया है? क्या है यहाँ इंडो नेपाल समरसता मंच है, वो 5 सितंबर को दिल्ली में किडनी मैनन भवन सुप्रीम कोर्ट सी गेट के सामने सम्मान दिया कर्मश्री अवार्ड। उसके बाद फिर दोबारा 24 नवंबर को जो है वो दिया एकता अवार्ड। फिर नेपाल में जो है हुआ सम्मान समारोह हुआ 27 दिसंबर को, उसमें भी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया नेपाल में। फिर वहां से चिट्ठी आई हमको मिली जो है 1 जनवरी 2019 को, उसमें कल जो है एडवाइजर नियुक्त किया गया, स्वीकृति मांगी गई। वहां से प्रथम उपराष्ट्रपति रमन झा जी ने और डॉक्टर श्यामानंद सुमन जी के स्वीकृति पर वहां पर एडवाइजर बनाई गई।